ए बाबा, हम तो यहां पर ये कहते थे कि घर के अंदर नागिन है, नागिन है, नागिन है, बट घर के अंदर तो एनाकोंडा भी है। और ये ऐसा एनाकोंडा है जो कि ऐसी पलटी मारता है कि हम क्या बताएं। कौन है वो एनाकोंडा जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। आज के रिव्यू में दोस्तों मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा, जहां पर रुबीना वर्सेस एजाज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसके पीछे की पूरी बैक स्टोरी वो क्लियर करूंगा। एजाज खान का इस तरीके का जंप मारना, यानी कि उन ग्रुप के साथ इतना ज्यादा घुल मिल जाना और इस तरीके से रुबीना को कहना कि वो तो डिजर्विंग ही नहीं है खेल के लिए, शो के लिए, तो ये भी बताऊंगा कि इसके पीछे असल रीजन क्या है। साथ ही साथ एजाज खान को जिस तरीके से एज शेमिंग की जा रही है जैस्मिन के द्वारा, उस पर भी पर्दा उठाएंगे दोस्तों। तो बहुत सी बातें हैं, और ये जो नए खिलाड़ी आए हैं ये किस तरीके से खेल रहे हैं, एक एक को लेकर वो सारी चीजें क्लियर करूंगा जो कि आपके दिमाग में कश्मकश चल रही होंगी कि ये राहुल ने ऐसा क्यों किया, ये अर्शी ऐसा क्यों कर रही है, कश्मीरा ये क्या बिन पहने की क्या बन गई है ये, या फिर अगर बात करें मन्नू मन्नू पंजाबी की, ओ माय गॉड ही इज अ ब्रिलियंट मैन। सारी चीजें इस रिव्यू में मैं राहुल बोस क्लियर करूंगा। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी दर्शकों को दोस्तों एक एक करके सारी चीजें क्लियर करता हूं, लेकिन उससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस वीकेंड के वार पे जैस्मिन भसीन को डांट नहीं पड़ी ना, बाय गॉड मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूंगा। जैस्मिन भसीन जिसने कि एजाज खान को लेकर कहा मैं तो 30 साल की हूं फिर भी इतनी समझदार हूं, आप तो 45 ईयर्स के हो गए फिर भी इस तरीके की पर्सनैलिटी लेकर घूमते हैं, ये एज शेमिंग नहीं है तो क्या शेमिंग है, मुझे ये बात जाननी है। चाहे इस पर कोई कैसे भी मुद्दे उठाए, लेकिन ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के घर में हर के एक रूल होते हैं, चाहे वो एज शेमिंग की बात आ जाए, चाहे वो अगर बॉडी शेमिंग की बात आ जाए, कलर शेमिंग की बात आ जाए, या फिर सेक्सुअलिटी की बात आ जाए, इन सब पर पास्ट में सलमान खान जी ने दोस्तों बैक टू बैक करारे जवाब दिए हैं, और जो ये हरकत करता है उसको करारा जवाब रिस्पॉन्स मिला है। अब जैस्मिन को ना मिले ना दोस्तों, तो समझ जाइएगा खेल जो है, समझ गए ना दोस्तों। ओके, अब सबसे पहले तो आज मुझे एक बात बता दो, ये मतलब हम तो सोचते थे कि शायद ये 4 लोग ज्यादा दिख सकते हैं अगर ये अलायंस बना ले या फिर एक साथ खेलें, लेकिन यहां पे तो एक अलग ही महाभारत चल रही है, पूरा घर डिवाइड हो गया है, पूरा घर, एक कंटेंडर ऐसा नहीं है जिसने कि अपने आप को ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली जो है दूसरे ग्रुप में शामिल कर दिया है। अर्शी, राहुल, राहुल का कह नहीं सकते चलो, अर्शी कश्मीरा का भी नहीं कह सकते, अर्शी, एजाज, मनु पंजाबी और या ये लोग एक ग्रुप में दिख रहे हैं दोस्तों, राइट। वहीं हम दूसरे ग्रुप में किसको देख रहे हैं, रुबीना, अभिनव, जैस्मिन थोड़ी बहुत, लेकिन ये विकास गुप्ता उसमें दिख रहा है। कश्मीरा का मुझे ये कहना है कि वो बिन पंदे की लोटी हैं, लोटा कहेंगे, लोटी कहेंगे, लड़की हैं वो, तो वो इधर भी बज रही हैं, वो उधर भी बज रही हैं। देखो भाई, कल के दिन ही मैंने एक रिव्यू में बोला था कि कश्मीरा शाह ने आते ही एजाज खान सॉरी इसको विकास गुप्ता को बोला था कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैंने आपको उसी समय कह दिया था कि ये बंदी के जो इरादे हैं कि नेक नहीं लग रहे हैं, ये बंदी कुछ ना कुछ तो सोच कर आई है कि मैं इस बार मास्टरमाइंड को भी चलाऊंगी, और आज के शो में ऐसे ही हुआ। जिस तरीके से कश्मीरा गेम खेल रही है, इट इज गुड, राइट, लेकिन कुछ चीजों में कश्मीरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, जैसे अर्शी के साथ झगड़ा करा, ठीक है, फालतू का झगड़ा था एक तो वो। अब भाई जब फालतू का झगड़ा करते हो तो उसमें सॉरी बोलने का क्यों जाना तुमको, तुम यहां पर सॉरी बोलने के लिए जा रही हो, तुम यहां पर बोलने जा रही हो अरे वो माफ करना मेरे दिमाग में ना उससे पहले कुछ और चल रहा था, राहुल की बात चल रही थी कि अर्शी ने दिमाग खराब कर रखा है, तो वहीं मुझे तुम्हारा टोन जो है अथॉरिटिव लगा। ऐसा कोई अथॉरिटिव टोन नहीं बोला था, इट वॉज जस्ट बुलशिट, बुलशिट। कश्मीरा शाह यहाँ पे फालतू के मुद्दे क्रिएट कर रही है। देखो कश्मीरा शाह इससे पहले भी आ चुकी है घर पे, और हम सबको पता है कश्मीरा जब घर पे आई है उसने फालतू की ही बातें करी है। आरती के लिए उसने क्या बातें बोली थी, सिद्धार्थ के साथ वो फिक्सिंग पे लगी हुई थी कि सिद्धार्थ 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 और ये दोनों अच्छे दिखते हैं, इसके मन में कुछ है, ये है वो है, सो शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू फिक्स थिंग अप। यहां पर वो क्या कर रही है, यहां पर वो इधर का उधर, उधर का इधर, और अपना जो मतलब है जिसमें उसको बेस्ट मिलेगा वो उधर लेके चली जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, खेल है, खेलने दो उसको। और देखो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सीजन में कश्मीरा शाही थी जिसने कि सारे घर को राखी सावंत के अगेंस्ट कर दिया था, और राखी का वो फूट फूट के रोना आज भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो वो वीडियो।
तो यहाँ पर कश्मीरा ने राखी अभी आई भी नहीं है और राखी सावंत के आने से पहले ही राखी के लिए कह दिया है कि भैया राखी को इन्वॉल्व मत करना, हमें राखी को इन्वॉल्व मत करना, इस तरीके से उसने बोल दिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कश्मीरा कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योर है राखी को लेकर, क्योंकि देखो ठीक है कश्मीरा भी आइटम सॉन्ग गर्ल है, एक्ट्रेस भी है, थोड़ी बहुत फिल्मों में एक्टिंग भी की है, सीरियल भी करे हैं, लेकिन राखी सावंत की ज्यादा पॉपुलैरिटी है एज कंपेयर टू दैट। हाँ मतलब क्योंकि वो अलता भलता कुछ भी करती है, तो ऐसे में यहाँ पर राखी सावंत को अभी से ही टक्कर देने के लिए कश्मीरा बैठी हुई है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राखी का गेम ये नहीं होगा, राखी का सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा और लड़ाई झगड़ा होगा फालतू का, जो कि राखी को एक अलग इमेज देगा। आई गेस जब वो आएगी तब पता चलेगा, वैसे फ्राइडे बात की जा रही है, सो लेट्स सी देखते हैं कि कब तक आती है। दोस्तों यहाँ पर ये स्टार्टिंग में जो डिस्कशन कर रहे हैं कि रुबीना और जैस्मिन सुबह उठते ही खाना 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 करने लग गए, खाना अभी क्या बनाना, कल क्या बनाना, परसों क्या बनाना, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मनु पंजाबी ने बहुत सही बात बोली, बहुत सही कश्मीरा और ये लोग बैठ के जो बात करते हैं बहुत सही बोली कि इन लोगों को सुबह उठते ही ये करना है, गेम का फोकस नहीं करना है। बट मुझको एक बात बताओ, अगर वो लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पूरा घर तो भूखा मर जाएगा ना। और वो लोग इस सिद्धांत पे जीने वाले हैं कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। सो मन्नू भाई ये भी एस्पेक्ट आप देखिए, क्योंकि अगर आप आज परांठे पेल के खा रहे हैं, अगर आप जो है अच्छे तरीके से घर के अंदर डाइट पूरी ले रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रेय उन लोगों को जाता है। तो ठीक है, आप ये भी अगर आप ये पॉइंट बोल रहे हैं, विच आई टोटली एग्री विद यू कि आप ये पॉइंट रख रहे हैं कि इनको जो है खाना वाना यही करना है और कुछ नहीं करना है, विच आई टोटली एग्री। बट आप ये भी देखिए कि उनके खाना बनाने से आपको भी फायदा हुआ है, आपने भी खाया है, तो इस तरीके से कॉल आउट मत कीजिए। अगर करना है तो पूरी चीजों को सबके सामने रखिए, सिर्फ और सिर्फ इस बात को मुद्दा मत बनाइए। दोस्तों अगर आपने देखा तो आज जैसे ही कैप्टेंसी टास्क की अनाउंसमेंट हुई, वैसे ही कहीं ना कहीं एजाज भाई का एक बदला हुआ स्वरूप दिखा। एजाज भाई ने क्या बोला? एजाज भाई के पक्के वाले सेंटेंस ये है कि दे डोंट डिजर्व टू बी इन हियर, अभिनव रुबीना कोई भी नहीं है, रुबीना जी का अपना एक फ्लेवर है बट लेकिन वो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं करते हैं, डिजर्व नहीं करते हैं। मैंने स्टार्टिंग के रिव्यू में आपको बताया था कि घर में एक एनाकोंडा है। कौन है वो एनाकोंडा? अरे वो एजाज खानी तो है। मतलब कि हम जैस्मिन को बोलते थे नागिन है नागिन है नागिन है, पीछे से वार करती है, पीछे से डसती है, ये करती है वो करती है। एजाज भाई क्या कर रहे हैं अभी? एक हफ्ते पहले की बात है, अरे उसका बर्थडे 28 को आता है, मेरा 26 को आता है, हम दोनों अथॉरिटी वाले, हम दोनों डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज है, ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? मैं रुबीना जी को अपने दावेदार बनाना चाहता हूँ क्योंकि रुबीना जी जीतेंगी और रुबीना जी परफेक्ट विनर हैं, विनर मटेरियल हैं। किसने बोला था ये? हाँ सो यहाँ पर दोस्तों एजाज खान का गेम चेंज हुआ है। यहाँ पर एजाज खान ने अब यू टर्न मारा है, फिर से अपने आप को रिबूट किया है। रुबीना रिस्टार्ट कहती है लेकिन मैं कहता हूँ रिबूट किया है। रिबूट क्यों? देखो अभी तक एजाज भाई जिस तरीके से खेल रहे थे उनका था ये इस तरीके से था। पहले के दो हफ्ते उन्होंने अपनी पूरी पर्सनैलिटी दिखाई, ठीक है। अब उसके बाद उनको लगा कि यार ये लोग तो बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के हैं, थोड़ा सा इनका अलग ही जॉनरा वाले हैं, ये फालतू का झगड़ा नहीं बना देते हैं, मुद्दे जो है फालतू नहीं बनाने देते हैं, सो लेट्स गो विद द फ्लो। और एजाज खान उसी फ्लो में चले गए और इसी बात को लेकर वो रोए भी थे और वो कह भी रहे थे, अगर आपको याद होगा शार्दुल के सामने ये बात बोली थी कि यार ये लोग तो समझते ही नहीं मेरे को ऐसा करते हैं, मेरे साथ ये करते हैं, मेरा ऐसा करते हैं, लेकिन एक बार टास्क आ, फिर बिग बॉस ने टास्क भी दिया था उनको और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो एक बार टास्क आ जाए तो मैं उनको बताऊंगा कि गेम कैसे खेलते हैं, ये बात बोली थी एजाज खान ने, बोली थी कि नहीं, याद है ना आपको? तो यहां पर एजाज खान मिस कर रहे थे उन पंटर भाई लोगों को जो कि उनके साथ आए, छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाए और एक है ना घर को ये जिस तरीके से सोफिस्टिकेटेड खेल रहे हैं वैसा नहीं, जैसे रुबीना ने कहा था कि कॉन्वेंट स्कूल और सरकारी स्कूल, वैसा टाइप्स का जो माहौल है उसको तोड़े और सभी को सरकारी स्कूल वाला माहौल बना दे, झगड़ा लड़ाई मुद्दे उठाओ, छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बनाओ, ये चीजें हैं दोस्तों। और एजाज खान को अब वो मिल गया है क्योंकि अर्शी खान वैसी हैं,
राहुल, राहुल का तो नाम ही मत लो क्योंकि वो अभी निकल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है नॉमिनेशन में आते वो निकल जाएंगे। मनु पंजाबी, मनु पंजाबी भी मुद्दे निकाल रहा है, उसने जैस्मिन और रुबीना का भी मुद्दा निकाला अगर आपको याद होगा, आते ही निकाला था वही मुद्दा। सो वो छोटे छोटे मुद्दे निकालते हैं और एजाज खान भी निकालते हैं, कैश्मीरा भी निकाल रही है। सो उनको है ना इस तरीके की बातें चाहिए, इस तरीके का एक कह सकते हैं कि खेल चाहिए जहां पर सब जो है लड़े झगड़े ये करे। देखो ना कल जब राखी सावंत और ये सब का आना हुआ था तब ऐसे करके किया था ना उन्होंने। सो ये यही है, तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि कल को आपको रुबीना डिजर्विंग वन लगती थी, कल को आपको रुबीना जो है इस तरीके के लगती थी कि वो जीतेगी, हाँ मेरे बाद अगर कोई विनर बने तो वो बने, इस तरीके की बात आप बोलते थे, हम दोनों डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, मैं आपको पसंद करता हूं, इस तरीके की बात बोलती थी, राइट। और आज अचानक से आपको ये लग रहा है कि आप डिजर्विंग वन ही नहीं है, लाइक सीरियसली आप डिजर्विंग वन, अगर आप डिजर्विंग वन नहीं होती तो आज टॉप फोर में कैसे पहुंची होती, जस्ट बिकॉज वो रुबीना की जो आदत है दोस्तों वो डे वन से लेकर अब तक सेम ही रही है। रुबीना को मैं डिकोड करता हूं यहां पे थोड़ा सा, रुबीना कभी भी किसी के फालतू पचड़ों में नहीं टांग अड़ाती है, नंबर वन। रुबीना कभी भी किसी के पीछे बैक बिचिंग नहीं करती है, नंबर टू। रुबीना अपनी दोस्ती अच्छी तरीके से निभाती है, नंबर तीन। और चौथा, जब वक्त आता है तब वो करारा जवाब देती है और अपने हथियारों को वो संभाल के रखती है, उनको नर्चर करके रखती है, ऐसा नहीं कि खुले में हथियार फेंकते हुए चली जाए, नो शी इज नॉट लाइक दैट। वो एक मैंने जो जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स बोले, मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा बहुत गौहर में भी ऐसा, मतलब गौहर भी ऐसी ही थी और उसने सलमान खान से भी भिड़ गई थी वो कुशाल के लिए अगर आपको याद होगा तो, और रुबीना भी सलमान खान से भिड़ गई थी, हमको हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पर्सनैलिटीज मेल खाती हैं, एक डिग्निटी के साथ, एक क्वालिटी के साथ और यू नो एक ग्रेस के साथ। अच्छा तभी अगर आपको याद होगा तो रुबीना ने गौहर खान को अपना ज्यादा कनेक्टिव बताया था एज कंपेयर टू दिस हिना खान, याद है आपको? सो दिस इज द रीजन। अच्छा अब समझा मैं, तो बेसिकली यहां पर रुबीना जो है वो गौहर कह सकते हैं हम उसे, जितना ग्रेस के साथ डिग्निटी के साथ आगे बढ़ेगी और डेफिनेटली जीत के तो रहेगी रुबीना, लगता तो ऐसे ही है। खैर रुबीना से याद आया, रुबीना के फैंस ने एक ट्रेंड चलाया था, अनस्टॉपेबल अनबीटेबल रुबीना, वो गर्दा फाड़ मचा रहा है इस वक्त, जिस वक्त मैं रिव्यू बना रहा था वो 9 लाख समथिंग पहुंच गया है, तो डेफिनेटली 1 मिलियन पहुंच गया होगा वो जब तक आप देखेंगे ये रिव्यू, हो सकता है। हाँ सो यस मैं आपको बता दूंगा इस बात की इंफॉर्मेशन, डोंट वरी। अब दोस्तों बात करते हैं आज, आज की जो मुख्य बात हुई थी वो कैप्टनसी टास्क को लेकर हुई थी। ऑलरेडी यहां पर सारी चीजें क्लियर थी, मुझे ये कहना है इस बात को लेकर, यहां पर मन्नू पंजाबी के पास कन्विंस करने के लिए गई जैस्मिन, जैस्मिन को क्या कहता है कि मैंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है तो फिर भी आप करो कन्विंस, क्यों करे कन्विंस। यहां पर एक सवाल ये भी आता है जो कि उन लोगों के भी दिमाग में आया होगा, राइट। अभिनव गया था इसके चिचा के पास ये जानने के लिए, तो चिचा ने बोला कि देखूंगा मैं, ठीक है। और लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप शो में आए हो तो कन्विंस करो, खेलो, नहीं मानते तो कोई बात नहीं भाड़ में जाए, लेकिन आप अपनी ड्यूटी निभाओ। रुबीना अभिनव जैस्मिन आप अपनी ड्यूटी निभाओ, जैस्मिन तो फिर भी थोड़ा बहुत निभाई थी, लेकिन अभिनव रुबीना, रुबीना भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अभिनव के लिए मैं कहता हूं कि उसको बोलना चाहिए कि निभाओ, ठीक है वो आप ऐसे नहीं हो, लेकिन शो व्यक्तित्व का है, वी ऑल नो दैट, लेकिन कभी कभार आपको अपने व्यक्तित्व के साथ भी समझौता करना पड़ता है, राइट। सो यस यहां पर दोस्तों मुझे लगता है कि इन तीनों को थोड़ा सा और दम लगाना चाहिए और इन तीनों को फट से नया ग्रुप बना लेना चाहिए, क्योंकि घर में नया ग्रुप बन गया है, घर में इसी तरीके से ग्रुप वाइज ही आगे बढ़ रहे हैं, और चचा ने कहीं ना कहीं मन्नू पंजाबी के कंधे पर हाथ रख दिया है और मन्नू पंजाबी ने चचा के कंधे पर हाथ रख दिया है, और ये दोस्ती एक अलग मिसाल देगी। मन्नू मनवीर की जो दोस्ती थी वैसी इजाज और मन्नू की दोस्ती हमें लगता है नजर आ सकती है फ्यूचर में। ओके दोस्तों यहाँ पे मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड कहते हैं विकास गुप्ता को, लेकिन आज सबसे बड़ा जो पोपट हुआ है वो विकास गुप्ता का हुआ है। विकास गुप्ता के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप प्लान करके रखते हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं, आपने अपने पत्ते खोल रखे हैं ऑलरेडी, पूरे पूरे भारतवर्ष के सामने खोल रखे हैं, तो ऐसे में आपको वो एक और मौका नहीं देंगे, और आपकी जो स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी आई है यानी कि अर्शी खान आई है, अर्शी खान ऑलरेडी चीख चीख कर कह रही है कि इसको लीडर मत बनाना ये सर पे चढ़ जाएगा, इसको सिंपैथी मत देना ये सर पे चढ़ जाएगा, इस तरीके की बातें वो कह रही है, राइट।
तो यहां पर घरवाले इसीलिए फूक फूक के कदम रख रहे हैं। दूध का जला हुआ तो छाछ फूक फूक के पीता है, तो घरवाले तो फिर जले भी नहीं है अभी तक, राइट। ओके, यहां पर फिर उसके बाद टास्क होता है, मन्नू जीत जाता है। आई रियली अप्रिशिएट मन्नू की वो आते ही उसने शो में धमाल कर दिया और मस्त अपना एक हफ्ते के लिए रिलैक्स हो गया और एक हफ्ते के लिए वो आराम से बैठ गया। अब देखते हैं कि कल संचालक का ये जो टास्क हो रहा है वो किसे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करता है, जो जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हनी वाटर। ओके, ये हुआ। हाँ, रुबीना एंड अभिनव ने दोस्तों, चलो अच्छा है कि खाने पीने से अपना ध्यान भटका के अब पर्सनली वो मुद्दों पर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इजाज भाई का गेम जो है डिकोड कर रहे हैं, जहां पे रुबीना कह रही है कि इनका जो बटन ऑन हो चुका है, ये वैसा हो चुके हैं फलान डिमगाना। अच्छा, यहां पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैस्मिन रो रही है एली के लिए। आपको लगता है कि एली आएगा दोबारा? मुझे तो लग रहा है दिल से कि एली वापस आएगा और एली फिर से इन लोगों की बैंड बजा देगा। और अभी है ना, एली ने अपना खतरनाक ट्वीट दे दिया है चचा को लेकर और सपोर्ट में उतरा है वो रुबीना और अभिनव के। तो एली को अगर खेल में लाए तो डेफिनेटली ये रुबीना अभिनव के साथ आ जाएगा और उसके बाद ये लोग जो बैंड बजाएंगे इन लोगों की, यानी कि अर्शी की, मनु पंजाबी की या फिर एजाज की, वो देखना ज्यादा मजेदार होगा। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों, आज का एपिसोड यही था, रायता था, धीरे धीरे रायता और फैल रहा है। जो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, अपनी बात अपनी प्रतिक्रिया रखी। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मौजूद हूं RHULBHOJ के नाम से। तो वहां मिलते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हां, ये बात याद रखिए कि बिग बॉस बोले तो FIFA Fools.